so empty. The only thing I can see is my own silhouette. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोटफा में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करेंगे कि आज मास्क दिखाने वाला है कि नहीं, जानकारी देने वाला है। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। आज मास्क दिखाने वाले हो? सिरोही गुजरी अजमेरी की बड़ी फ्रेम की बकरी है। सिरोही गुजरी अजमेरी की बड़ी फ्रेम की बकरी आपके पास अभी अवेलेबल है? एक बकरी बच्चे वाली है। अच्छा, बाकी सारी बकरी प्रेग्नेंट है, 10-12 दिन में बच्चे देने वाली है और दो बकरे। अच्छा अच्छा, तो बच्चे वाली बकरी है, प्रेग्नेंट मतलब कि प्रेग्नेंट बकरी अभी है, ये बच्चे वाली बकरी है। और बच्चे वाली बकरी दो है, बच्चे दिए हुए। अच्छा, दोनों फीमेल है। अच्छा, दोनों फीमेल बच्चे दिए हुए हैं और बाकी सब प्रेग्नेंट बकरी है। बाकी सब सारी बकरी लोडेड है। सारी बकरी लोडेड है। तो जैसे कि आपके पास ये सारा माल रहता है तो ये सारा रेडी टू सेलिंग के लिए है अभी? हाँ, रेडी टू सेलिंग के लिए। अच्छा, और एनी टाइम आपके पास फीमेल एनी टाइम मिल जाएगी हमारे फार्म पे सेलिंग के लिए? एनी टाइम अवेलेबल रहती है। अच्छा अच्छा, बकरे अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, तो दीपक भाई एक बात बताइए कि जो नया फार्म स्टार्ट करता है उसके लिए आप क्या जानकारी दोगे कि क्या सही रहता है कि बकरी फार्म, बकरा फार्म या बच्चे से शुरुआत करे, क्या सही रहता है? अब बकरी फार्म तीन प्रकार से किया जाता है जी। एक तो खुद की नस्ल यानी ब्रीडिंग लाइन, प्रेग्नेंट बकरी लेके जाओ और ब्रीडिंग सेटअप बनाओ जी। दूसरी लाइन रहती है कटिंग की, तीसरी लाइन रहती है कुर्बानी की बकरों की। अच्छा, यानी कस्टमर किस बेस पे जाना चाहता है, कस्टमर किस तरह सोच रहा है, वो कस्टमर पे आप आधारित रहता है। अच्छा अच्छा, और ब्रीडिंग सेटअप पे जाना है तो आप छोटे बच्चे से बिजनेस मत करिए। प्रेग्नेंट बकरी सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट बकरी लेके जाइए। अगर मान लो जैसे कि आप नया फार्म स्टार्ट कर रहे हो, खुद आपकी बात बता रहा हूँ, तो आप किस में जाना चाहते हैं? ब्रीडिंग सेटअप। ब्रीडिंग सेटअप में सबसे अच्छा कमाने का तरीका यही है। अच्छा, तो उसमें होता क्या है, कैसे होता है, मुझे जानकारी देंगे? ब्रीडिंग सेटअप में क्या होता है कि मान लो प्रेग्नेंट बकरी लेके गया मैं, तो मैं तो एक ही बच्चा पकड़ता हूँ। 14 महीने में 4 बच्चे देती है, लेकिन अपन एक ही बच्चा पकड़ के चले। अच्छा, क्योंकि मुनाफा ज़्यादा नहीं गिनना चाहिए, मुनाफा थोड़ा कम गिनना चाहिए। क्योंकि कागज़ पे प्लान बनाते हैं तो कागज़ पे 4 बच्चों का प्लान बना दिया, फिर बच्चे 2 आए, 1 आए, 3 आए, कि बच्चे कितने आएंगे वो अपने पे निर्भर नहीं है। सही बात है, कुदरत वाले की कुदरत पे देना है, कुदरत की देना है। हाँ, तो बच्चे कितने आएंगे, अपन एक बच्चा भी पकड़ो ना तो आपकी बकरी का पैसा 14 महीने में निकल जाएगा। सही बात है, यानी कि ब्रीडिंग सेटअप में जाना आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है और बकरी खड़ी रहती है। अच्छा, आपका पैसा तो निकल गया लेकिन बकरी खड़ी है दूसरी बार बच्चे देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका अपन जान लेते हैं, रेट आपने क्या रखा है? मान लो महंगी है ये जो फ्रेम की बकरी लेता है तो इससे थोड़ी हल्की क्वालिटी में रहता है, जिसको बिजनेस शुरुआत करके कमाना है। चलिए, ए क्वालिटी की जो माल होता है ना, वो क्वालिटी की फ्रेमिंग बकरी है। अगर अपन ऐसे माने कि जैसे कि किसी को बिजनेस स्टार्ट ही करना है, उसको कमाना ही है, उसको बकरी से प्यार नहीं है, बस उसको पैसा कमाना है, तो मीडियम क्वालिटी की बकरी लेके तो किस रेंज की, मतलब कितने तक की? 17-18 हज़ार की बकरी मिल जाएगी फर्स्ट क्लास। 17-18 हज़ार की बकरी मिल जाएगी। आपके पास कोई ऐसी एक बकरी है जो अपन दिखा सको? ये रही सामने। अच्छा, सामने बकरी खड़ी है, उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये बकरी देख सकते हैं, ये फ्रेम इस क्वालिटी की, ये भी, और एक ये बकरी। जो इस क्वालिटी की कोई बकरी लेना चाहता है तो 17 हज़ार तक की रेंज में, 16-17 हज़ार पकड़ लें, नहीं 17-18 पकड़ो, 17-18 पकड़ लेते हैं, 17-18 हज़ार की रेंज में ये दोनों क्वालिटी की बकरियाँ मिल जाएगी। और जिसको 10 हज़ार वाले भी मिल जाएगी प्रेग्नेंट बकरी। अगर मान लो जिसको बिजनेस शुरुआत करनी है और अच्छे से आगे बढ़ना है तो ये दोनों फ्रेम बढ़िया है। मान लो 50 बकरी का प्लानिंग बना रहा है जी, 12-13 हज़ार की बकरी लेके, तो उसकी जगह वो 17-18 की लेके जाए, 40 लेके जाए, लेकिन ऐसी लेके जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। तो जान लेते हैं आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेबल अवेलेबल है जी, ऑल इंडिया, लेकिन कम से कम 20 नंग। कम से कम 20 नंग, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ट्रांसपोर्ट कैसी गाड़ियों में होता है? ठीक है, ऐसे ट्रक में होता है। बोलो। अच्छा, ये आइसर होती है उसमें होता है? तो आइसर होती है, बोलेरो पिकअप भी होती है। अच्छा अच्छा, तो दोनों टाइप की वेरायटी में आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कम से कम कितना नंग ट्रांसपोर्ट करते हो? 20 नंग। चलिए बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन की जानकारी आप देंगे? वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट रहता है? बकरी तो टोटल प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट में तो कोई वैक्सीनेशन लगेगा नहीं। पहली चीज, और सारी वैक्सीनेटेड रहती है क्योंकि ये 2-2 साल की बकरियां हैं। 2-2 साल की बकरियां तो वैक्सीनेशन ही रहती है। चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। जैसी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में, तो जान लेते हैं कि श्री गोट फार्म रजिस्टर्ड है? हाँ, 100% रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है।
यानी कंप्लीट वेरीफाइड है, उसको कोई पेमेंट डालता है उसको तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, और सारे सर्टिफिकेट लेना चाहता है, आधार कार्ड सब कुछ लेना चाहता है तो ले सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात बताई। तो ये कुछ जानकारी थी श्री गौतम के बारे में, और भी अधिक जानकारी चाहिए तुरंत हमारा बिलिंग चला ही जाता है उनके पास। जी बिल्कुल, तो अधिक जानकारी पाना हो तो श्री गौतम का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले में फ्लैश हो रहा होगा, तो उस पर कॉन्टेक्ट करिए और इनसे अधिक जानकारी मंगवाइए और आप अपना फार्म स्टार्ट करिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और ऐसी जानकारी पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट सेक्शन को बता दीजिए कि किस टॉपिक वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।